हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर 10 इन द पार्क। तो देखिए, सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक पार्क का सीन है। इसमें बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बड़े यहाँ पे बैठ के योगा कर रहे हैं और अंकल आंटी वगैरह यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। वंस आलोक विद हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू स्पेंड सम टाइम्स इन एन ओपन ग्रीन प्लेस। एक बार आलोक अपने मित्रों के साथ डिसाइडेड निश्चय करता है टू स्पेंड सम टाइम, कुछ समय बाहर खुले एरिए में बिताने के लिए। सो दे वेंट टू अ पार्क टू एंजॉय एंड रिफ्रेश देमसेल्फ। तो वे एक पार्क में जाकर मजे करते हैं और अपने आप को तरोताजा करते हैं। दे सॉ अ फ्यू पीपल सिटिंग ऑन द बेंचेस व्हाइल अदर रिलैक्सिंग अंडर द ट्रीज। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बेंचेस पर बैठे हुए हैं व्हाइल अदर रिलैक्सिंग अंडर द ट्रीज, जबकि कुछ लोग पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ पेड़ के नीचे बैठे हैं, जबकि यहाँ पर ये कुछ बेंच पर बैठे हुए हैं। सम एल्डरली पीपल वर सिटिंग इन अ सर्कल एंड डूइंग योगा। कुछ बड़े बड़े बूढ़े लोग सर्कल में बैठ के, गोले में बैठ के योगा कर रहे हैं। देयर वर ग्रीनरी ऑल अराउंड। चारों तरफ बहुत ही हरी भरी है, हरियाली है। इट वॉज फुल ऑफ ब्यूटिफुल प्लांट्स एंड क्रीपर। वहाँ पर वो जो जगह है वो, उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं, पौधे हैं और क्रीपर्स बेल हैं। विच वर फिल्ड विद ब्यूटीफुल सीजनल फ्लावर्स, जिन पर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आए हुए हैं। आलोक विद हिज फ्रेंड सॉ अ चिल्ड्रंस कॉर्नर वे अ चिल्ड्रंस वर एंजॉइंग देयर राइड्स। आलोक और उसके दोस्तों ने वहाँ पे एक चिल्ड्रंस कॉर्नर, बच्चों का कोना देखा, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे राइड्स में झूलों को एंजॉय कर रहे थे, मजे कर रहे थे। दे ऑल्सो ज्वाइन देम, उन्होंने उन्हें ज्वाइन किया। एंड स्लाइड डाउन द स्लाइड, और वो स्लाइड पर नीचे आने लगे। दे स्वेंग ऑन द स्विंग, उन्होंने झूलों पर भी झूला। दे वेंट राउंड एंड राउंड ऑन द मैरी गो राउंड, और वो मैरी गो राउंड पर गोल गोल भी घूमे। दे ऑल्सो वेंट अप एंड डाउन ऑन द सी सॉ, और वो सी सॉ पर ऊपर नीचे भी हुए। तो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे झूलों के नाम दिए गए हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा झूला है जिससे आपको उसकी समझ बन जाएगी। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारा मैरी गो राउंड। ये हमारा गोल गोल चलता है। इसके बाद है ये हमारा सीसो, इसमें हम ऊपर नीचे होते हैं। और ये है हमारी स्लाइड, जिसमें हम ऊपर से नीचे आते हैं। और ये है हमारा स्विंग, जिसमें हम झूला झूलते हैं। तो इस तरह ये झूले होते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। फिर दे मेट सेवरल फ्रेंड्स इन द पार्क, वहां पर वो बहुत सारे मित्रों से मिले। ऑल वर रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग, वे सब इधर उधर दौड़ रहे थे और खेल रहे थे। दे सॉ मैनी ब्यूटीफुल फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स, उन्होंने वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लाइज और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े भी देखे। पेरेंट्स वर सिंगिंग ऑन द बेंचेस एंड एंजॉइंग व्हाइल द किड्स वर प्लेइंग। पेरेंट्स जो थे, उनके माता पिता, वो वहाँ बेंचेस पे बैठे हुए थे और जो उनके बच्चे थे वो वहाँ पर खेल रहे थे। देयर वर मैनी बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। दे वर वेरी हैप्पी दैट द पार्क वर नियर टू देयर हाउस, वो बहुत खुश थे कि जो पार्क है वो उनके घर के पास है। दे जस्ट लव गोइंग टू द पार्क विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा अपने परिवार, फैमिली एंड फ्रेंड्स, मित्रों के साथ उस पार्क में जाना उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह ये जो पार्क है उसमें जाना सब बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इसमें नीचे हमें क्या शिक्षा मिलती है। लेट्स ग्रो ग्रीन टू गेट अवर ग्लोब ग्रीन, तो मतलब हमें अपने जो है प्लेस को ग्रीन रखना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी पृथ्वी भी ग्रीन रहे। तो चलिए अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं।
तो बच्चों देखो, ये देखिए इनके वर्ड्स शो हैं। सबसे पहले है क्रीपर। क्रीपर CREEPER, क्रीपर क्रीपर मीन्स बेल और लता, जो ऐसे नीचे को चलती है, मतलब किसी के सहारे चलती है। फिर है सेकंड नंबर पे RIDES, राइड्स। राइड्स मीन्स मनोरंजन पार्क में झूले। स्लाइड स्लाइड SLID, स्लाइड स्लाइड मीन्स फिसलने वाला झूला। स्विंग SWING, स्विंग झूलने वाला झूला। मैरी गो राउंड MERRY, मैरी GO RUND राउंड, मैरी गो राउंड गोल घूमने वाला झूला। और सी सॉ SEE, SAW सॉ, सी सॉ झूला पट्टी। ये सारे जो चार झूले हैं ये मैंने आपको उस पिक्चर्स में दिखाए थे। तो बच्चों देखिए, आपको उसका एक्सप्लेनेशन और ये वर्ड मीनिंग बता दिए गए हैं। अब आप इसे ध्यान से पढ़ें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।